हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा बनने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक छोटा सा साइंस बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा ट्रिक है, पर इसमें काफी बड़ा एक साइंस छुपा हुआ है, और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आज का जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक माचिस और मैग्नेट, आप कोई भी मैग्नेट यूज में ले सकते हैं। मैं छोटे छोटे सेल टाइप के ये मैग्नेट यूज में ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं काफी छोटा मैग्नेट है, आप देख सकते होंगे काफी छोटे छोटे मैग्नेट है। तो इन मैग्नेट से, मेरे पास काफी सारे मैग्नेट है आप देख सकते हैं, इन मैग्नेट से मैं आज थोड़ा सा साइंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके सामने। तो आइडिया काफी सिंपल है, हमें क्या करना है कि माचिस की तीलियों को निकाल लेना है और इनको जलाना है, एक एक करके इन तीलियों को जलाना है। तो हम जला लेते हैं। आप देख सकते हैं तीली जल रही है, और इतना जलने के बाद बुझा दें। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं मैंने इतने सारे माचिस की तीलियां जला ली है। अब सिंपल सा क्या साइंस है इसमें वो मैं बताता हूं। जब ये माचिस की तीलियां जलती है तो इनमें थोड़ा बहुत आयरन टाइप का आ जाता है, मतलब लोहे की तरह इनमें खूबियां आ जाती है, जिससे कि ये मैग्नेट से चिपकने लगते हैं। आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये सारे मैग्नेट से चिपक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे इसी तरह मैग्नेट से चिपक रहे हैं, आप देख सकते हैं मैग्नेट से चिपक रहे हैं। तो इनमें आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जब ये इनमें जो माचिस होता है, माचिस में जो ये बारूद होता है, बारूद जिन केमिकल वगैरह जिन सब चीजों से बनता है, तो वो बनते तो है माचिस के लिए, पर उनमें कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसके वजह से इनमें कुछ लोहे के जैसे खूबियां आ जाती है, जिससे कि ये चिपकने लगते हैं हमारे मैग्नेट से। तो ये इस वजह से ही जलते हैं, आप देख सकते हैं हम कोई भी माचिस की तीली ले इस तरह से ये जलने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे जो सब्सक्राइब बटन होता है, उस सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।